खबर जांजगीर से। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ का मामला है। अवैध रूप से भारी मात्रा में दूसरे राज्य से शराब खपाने की फिराक में दो व्यक्ति कार में 24 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब को लेकर केरा तरफ से जांजगीर की ओर जाने की मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी। पुलिस ने राछाभाटा तेंदुआ मोड़ नवागढ़ के पास चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहन की चेकिंग की जा रही थी। आरोपियों को व उनकी गाड़ी की तलाश में भारी मात्रा में शराब मिली। 24 पेटी अवैध गोवा विस्की अंग्रेजी शराब मध्य प्रदेश निर्मित की कीमत लगभग 1,44,000 तथा घटना में प्रयुक्त वाहन की कीमत 3,50,000 को पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी दिलीप दास महंत उम्र 45 वर्ष गांव मुड़ापुर थाना नवागढ़, सनी कुमार सिंह उम्र 28 वर्ष अलीगढ़ थाना बिकोटी जिला पूर्णिया बिहार का रहने वाला है। सभी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। छत्तीसगढ़ में शराब खपाने के लिए बड़ी मात्रा में शराब की सूचना हमें मिली थी। कल चेकिंग में 24 पेटी 216 लीटर उसकी मूल्य करीब 1.5 लाख रुपए, साथ में एक गाड़ी को जब्त किया गया है। दोनों मिला के 3.5 लाख रुपए की जब्ती हुई है। अभी बाकी एविडेंस जमा किया जा रहा है। जो गाड़ी रायपुर है, गाड़ी वाहन मालिक से भी बात की जाएगी और उनसे भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा। और दो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, एक है नवागढ़ का लोकल रहने वाला है दिलीप दास महंत, पिता मुंशी दास महंत, 47 ईयर्स, और दूसरा जो है वो बिहार पूर्णिया का रहने वाला है सन्नी कुमार सिंह। ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे और आसपास के जिलों में मध्य प्रदेश इलाके शराब को खपा रहे थे। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन को रिवेन्यू का भी लॉस हो रहा था और लोकल लोगों को भी नुकसान हो रहा था। तो इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाएगा, आने वाले समय में और जब्ती की जाएगी।